इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताया। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, और आपको सुख समृद्धि तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है, सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियां को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है, उसे गरीबों का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका कामयाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर करें। नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती है। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना की आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है, पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू चोरी नहीं रखना चाहिए, ऐसे चाकू जिसे आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है, इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू,
पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबों का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगते हैं। दोस्तों, आपसे वीडियो लाइक जरूर कर देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुविधा का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठ ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छन सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपका भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझी। ऐसा माना जाता है कि राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है, यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शिक्षा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह है, क्लेश बढ़ने लगते हैं, किसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, घूमता हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगते हैं। नंबर 3, कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। दोस्ती अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि में जरूर बताएं, क्योंकि हम कुछ ऐसी उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपका स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बंसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से काम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से मिलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशों निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना शहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशों वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गए गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है।
मानता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बंसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सदी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सब जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सदी गली चीज गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ अब आते कि 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोगों को खिलाते समय गाय के सिंगों पर आप हाथ फेर, पीठ पर हाथ फेर, मस्तक पर हाथ फेर माता, गाय के अब चरणों का स्पर्श करें दोस्तों। ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दोहा का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आए को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा अच्छा रख लें। अगर अच्छा ना हो कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाई, उसे पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले, अच्छा रख ले, मिश्री घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो यदि आज की खास वीडियो, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय मां लक्ष्मी अवश्य